यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों के पीएफ को निजी कंपनी डीएचएफएल में निवेश करने के मामले में गिरफ्तार पूर्व एमडी एपी मिश्रा को कोर्ट में पेश किया गया है। एपी मिश्रा को मंगलवार को कई घंटे की पूछताछ के बाद ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले में गिरफ्तार सुधांशु द्विवेदी और पी के गुप्ता को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। मामले की जांच कर रही ईओडब्ल्यू को बुधवार शाम 4 बजे से 9 नवंबर शाम 4 बजे तक की रिमांड दी गई है। ईओडब्ल्यू ने वैसे इन दिनों की 7 दिन की पुलिस कस्टडी इन दोनों की मांगी थी, लेकिन सिविल जज जूनियर डिवीजन ने 3 दिन की रिमांड ही अभी मंजूर की है। गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने यूपीपीसीएल कर्मियों का पीएफ डीएचएफएल में जमा कराने वाले तत्कालीन निदेशक वित्त सुधांशु द्विवेदी और महानिदेशक पीके गुप्ता के खिलाफ न सिर्फ एफआईआर दर्ज कराई थी, बल्कि पुलिस ने दोनों को तत्काल भी गिरफ्तार भी करके जेल भेज दिया था। साथ ही सरकार ने डीएचएफएल में फंसे यूपीपीसीएल कर्मियों के करीब 2268 करोड़ रुपए को निकालने के लिए अपने स्तर से हर संभव प्रयास जो है वो शुरू कर दिए हैं।